क्या हो रहा है सब? देख नहीं रहे? काम हो रहा है, फैक्ट्री तुम्हारे बगैर चल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बगैर यहाँ काम शुरू करवाने की? यही तो मसला है, फैक्ट्री किसी की हुक्म से नहीं चलाई जाती। तू इस गलत फहमी में मत रहना, यहाँ तू जोर जबरदस्ती करके अपनी बात बनवा लेगा। मेरी छोड़, तू अपनी बात बनवा के देख, मैं भी यही हूँ और तू भी यही है, देखते हैं ये फैक्ट्री किसकी हुक्म पे चलता है। काम रुकवा। ठीक है राजू भाई, सारे मेरे मजदूर हैं, ये मेरे हुक्म पे चलते हैं। इन सब की शक्ल देख, इनमें से कोई भी तुम्हारी यूनियन का नहीं है। ये सारे बेचारे वो बेरोजगार हैं जो सारा दिन सड़क पे बैठ के अपनी रोजी का इंतजार करते हैं। तुम्हारी तरह नाशुक्र नहीं है जो लगी लगाई रोजी पर लात मारते हैं। सुन रहा है मुंशी, इसे सड़क छाप उठा के तुम्हारी फैक्ट्री में लगा दी है। अब जो खराब माल तैयार होगा ना तो शामत तेरी आएगी। आज नहीं तो कल सीख लेंगे, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुंशी, इसके और उसके साथियों का हिसाब क्लियर करो। मैं भी देखता हूँ मेरे बगैर ये फैक्ट्री कैसे चलती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर खान। ये आदमी इधर की मजदूर यूनियन का लीडर है, इसका काम कर सकते हो? करेगा क्यों नहीं करेगा, इस बदबख्त से तो अच्छा करेगा। देखा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी गड्डी ठंडी भी नहीं हुई और तू और इसकी जगह ले ले। तू देख तेरे साथ करता क्या। राजू भाई, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम काम नहीं रुकवा सकते। अब निकलो, इससे पहले मैं गार्ड्स बुलवा दूं। चल निकल। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे इनको। अरे राजू भाई, तुम तो कह रहे थे तनख्वाह डबल हो जाएगी, अबे हम तो उस हाल से भी गए। उस सबको देख लूंगा मैं। देख लेगा तू। शम्स भाई, हमें माफ कर दीजिएगा, हमें ये हमेशा काम से रोकता रहा, वरना हम आपसे कभी भी शिकायत न करते। मैं मजदूरों को काम सिखा दूं, तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। ठीक है साहब। हर राजू से बचकर रहिएगा, बहुत खतरनाक आदमी है, किसी वक्त भी हमला कर सकता है। क्या है सब कुछ सच है? तुम ये सब जानकर क्या करोगी? मौन यार, कैसी बातें कर रहे हो? She has every right to know. दानियाल को पता है कि तुम यहाँ आई हुई हो? वो शहर में नहीं है, वो कहाँ गए मैं नहीं जानती। देखो फलक, इस सारे वाकये की वाहिद चश्मदीद गवाह मुनीरा है, इसलिए वो जो कुछ कह रही है तुम्हें उसका यकीन करना होगा। पहले तो मेरे पूछने में दानियाल ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश ख़त्म हुई और केस क्लोज हो गया तो उसने मुझे सारी बात बता दी कि लड़की के बाप ने उस पर झूठे केसेस किए थे और अपनी बेटी को खुला करा कर वो ज़बरदस्ती ले गया। और औरंगज़ेब इतना भोला है कि इसने अपने दोस्त की बताई हुई सारी कहानी पर यकीन कर लिया। लेकिन मुझे जब यह किस्सा सुनाया तो मैं समझ गई बात कुछ और है। दानियाल की कहानी में बहुत झोल थे, मैं तो ये हैरान हूँ कि पुलिस को ये सारे मसले नज़र क्यों नहीं आए। मकौल मुनीरा के, दानियाल के बाप ने तफ्तीशी टीम को प्रेशर देकर केस ख़त्म करवा दिया था। देखा, मैं नहीं कहती थी कि अंदर ही अंदर कोई सेटलमेंट हुई होगी। भाई उस दिन दानियाल जब मुझे पार्टी में मिला है तो काफ़ी बदला हुआ था, इनफैक्ट वो बहुत खुश था, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा था और उसके बाद हम काफ़ी देर तक मैच देखते रहे, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तुम बताओ तुम्हारा आगे क्या इरादा है? अभी तो मैं कुछ नहीं जानती। देखो तुम अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल। और हाँ, अगर अब उसने तुम पर हाथ उठाया तो तुम्हें उसके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मेरे पास आना।